हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं कच्चे आलू की पूरी बनाऊंगी। इसके लिए हम आटा लेंगे, 2 कटोरी, 1 आधा कटोरी सूजी, 2 कच्चे आलू, 3 लहसुन, 1 प्याज, धनिया की पत्ती कटिंग की हुई और 2 हरी मिर्ची। आप ज़्यादा तीखी खाए तो 4 भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 ही ठीक है। अब हम मिक्सर जार में 2 आलू को लेंगे कटिंग किए हुए। इसमें हम लहसुन डालेंगे 3-4, प्याज देंगे, हरी मिर्ची और थोड़ा सा पानी डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें जीरा 1/2 चम्मच और 1 चम्मच धनिया साबुता। अब हम पानी डाल के थोड़ा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट हमारा रेडी है बनके। अब हम इसमें आटे में तिल डालेंगे 2 चम्मच, ये वाइट तिल है, और स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, थोड़ा सा जीरा, इसमें 1 चुटकी हींग भी देना है, और ये लाल मिर्ची है और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल के इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और धनिया की पत्ती डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे पहले चारों बगल। अब इसमें हम जो पीसे थे हमने पेस्ट आलू के, वो डाल देंगे और उसे डाल के अच्छा सा डो लगा लेंगे और डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे हम साइड में। अब गोल गोल इसकी लोइयां तोड़ लेंगे और इसकी सारी पूड़ियां बेल लेंगे हम। अब कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखेंगे और एक एक करके सारी पूड़ियों को हम तल लेंगे। और ये पूड़ियां वाकई में खाने में काफ़ी टेस्टी थी, आप ज़रूर इस तरह से बना के ट्राई करें। इसके साथ मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई है, ये ग्रेवी वाली। ये थाली हमारा बनके रेडी है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ये खाने में काफ़ी यमी था, एक बार ज़रूर बना के इसे ट्राई करें।